फट गई यार। फिर का रास्ता हमने तय किया ओ है भाई देख सिरकटा नदी पास। सही में यार अच्छा खासा चूतिया कट गया हमारा। तो हे गाइस अभी 3:15 के लमसम में बजे हैं और आज हमारा प्लान है नदी पे नहाने जा रहे हैं मैं और मेरा दोस्त है दीपक। तो देखते हैं फिर, अब पता नहीं हमें नहा पाएंगे या नहीं पाएंगे क्योंकि अभी पता नहीं है पानी कैसा चल रहा है। पहले अभी पिछले ब्लॉग में हम दूसरी नदी पे गए थे, वो नदी नहीं थी, एक तरह की डबरी थी जो नदी से कट के जो एक नहर जाती है वो थी। वो आज हम मेन नदी पे जाएंगे, वो भी जाएंगे ठेरिया वाली नदी पे। अगर पानी नहाने लायक होगा तो नहाएंगे, वरना ऐसे ही लौट के वापस आ जाना है। मगर ज़्यादा कोशिश करेंगे नहाने की, अच्छा पानी देखने की। तो मिलते हैं फिर रास्ते में। क्या हुआ? अब हमारे दोस्त को टॉयलेट लग गई। वाह क्या सीन है। तो अभी हम 79 गांव से निकल चुके हैं, अब हम खेत खेत वाला रास्ता है, ये डायरेक्ट मिट्टी का रास्ता है, इधर से जा रहे हैं। साइकिल से हैं, मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अरे सामने एक इंजन चल रहा है मगर बदकिस्मती से उसमें पाइप लगा हुआ है, अगर पाइप नहीं होता तो भाई साहब मैं तो उसी में नहा लेता। गर्मी लग रही है तगड़ी, सोचा यार नदी में नहाओ इसलिए जा रहे हैं नदी पे नहाने। बहुत तगड़ी धूल है नीचे तो भाई साहब। मिलते हैं आगे, पीछे एक ट्यूबवेल निकल गया और आगे भी एक इंजन चल रहा है साइड में। ओहो क्या तालाब है भाई साहब, यहाँ मज़े आते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तालाब है, हालांकि हम इधर भी चाहें तो नहा सकते हैं, इंजन में से पानी निकल रहा है। बहुत ही बढ़िया सुंदर तालाब है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम काफ़ी बार आ चुके हैं मज़े लेने के लिए। और इस पीछे इसके गांव दिख रहा है, जो यह है ठिरिया, और ये पेड़ है जो बहुत ही पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें हमेशा दिखती रहती हैं और पानी के बीच में रहता है। अगर जब भी पानी भरा हुआ होता है तो पानी के बीच में ही रहता है पेड़ ये। अभी मिट्टी वाले रोड पर चल रहे थे, अब RCC रोड पर आ गए। एक तो मास्क के चक्कर में साला और घुटन हो रही है, मास्क उतारा जाए। हालांकि मास्क ने बिल्कुल रेड़ मार के रख दी थी। रुको जरा सबर करो यार, किसी गांव में जब एंटर करने को होते हैं कुछ अलग सी फीलिंग नहीं आती है? जब किसी गांव में एंटर करने को होते हैं तो कुछ अलग सी फीलिंग आती है बिल्कुल। हाँ और ख़ासकर से जब साइकिल से या पैदल होते हैं तो भी आती है, बाइक से होते तो नहीं आती। ये गांव में चलने वाले डल्लम। एक और डल्लम, ये डल्लम जा रहे हैं रेता लेने जो कि नदी पर। ये है हमारे ठिरिया खेतल का मंदिर। अब ये रास्ता डायरेक्ट नदी को गई है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर होगा बस। अब मिलते हैं डायरेक्ट नदी पे। मियाँ हल्के क्यों चल रहे हो, तेज चलो ना। इतना हल्के चल रहा है, इतना हल्के, तेज चल तेज। ये हमारे दीपू भैया है ना, बहुत थक जाते हैं। देखियो हालत, देखियो मास्क लगाया हुआ है वरना मुंह की हालत इसकी बहुत ही बुरी थी। गजब बेइज्जती है, बहुत ही। ओहो नज़ारा दिख गया भाई। तो ये यहाँ पे जो खेती दिख रही है जो हरियाली टाइप की, इस साइड में नहाए थे हम। अब तो साला नहाने का भी वो नहीं है लग रहा है। तो गाइस नदी पे हम आ चुके हैं, ये पीछे नदी है हमारे और इसमें पानी बहुत ही कम चल रहा है अभी। रुको जरा सबर करो। पिछली बार हम आए थे तो बहुत मज़ा किया था हमने, नहाए थे। अब थोड़े से
इस साइड में जाके देखते हैं, अगर पानी अच्छा खासा मिला तो नहाएंगे, वरना वापस जाना पड़ेगा हमें। फट गई यार। कैसी लगी? आगे स्वाद। वहाँ से इतनी दूर से आए हैं, उससे भी आगे जो आपको जगह दिख रही है, इससे भी थोड़ा सा और आगे यहाँ से आए हम लोग ऐसे करके। अब यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे भी पानी गंदा सा लग रहा है बहुत। अब क्या नहाए इस पानी में यार, बड़ा मूड खराब हो गया। आगे स्वाद। तो गाइस अभी नदी पे, नदी किनारे हैं हम लोग और काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत दूर चल के आए हम साइकिल से, और थोड़ा ठंडा होने के लिए पैर भिगो रहे हैं पानी में। डायरेक्ट है तो गहरा, मगर दिक्कत है गंदा पानी है बहुत, और ज़्यादा चलता हुआ पानी नहीं है। अगर चलता हुआ होता तो हम नहा लेते। और पार देखो, खरबूजे तरबूजे की खेती हो रही है पार में। खैर लोकेशन भाई साहब बहुत धांस हुए यहाँ पे, नदी के टाइप के अगर लोकेशन दिखाई जाए, ऐसे कोई अपना वीडियो बना रहा है, थोड़ी गांव टाइप दिखाना चाहता है नदी के किनारे, तो भाई बहुत करी लोकेशन है यहाँ पे। कैसी हालत है? हालत पतली हो गई है, रहन दे, प्यास लग रही है। प्यास तो हमें भी लग रही है, हालत तो बता दे कैसी हो रही है। बहुत बुरी हो रही है भाई, इतनी दूर मत आ जाना धोखे। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। तेरी हालत बुरी है, इसका शरीर देखियो, इसलिए हालत बुरी है इसकी। अभी बीच में पड़ा है एक पेड़, उसके नीचे हम लोग बैठे हैं। काफी यार थक चुके हैं, जितना आगे जाओ दूर से तो लग रहा है साफ पानी है, थोड़ा चलता हुआ, मगर दिक्कत पता है क्या है, यहाँ सब पानी एक सा ही है। इतनी दूर आए यहाँ पे, पानी गंदा का गंदा ही है। ऐसा होता ना कभी कभी, एक बार हुआ है हमारे साथ, हमने देखा यार यहाँ पे पानी गंदा है, थोड़ा आगे चलते वहाँ साफ हो जाता है, साफ हो गया। और यहाँ तो हला आसपास पीने वाला पानी भी नहीं है, और ना हम इसे पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आगे स्वाद। अगर चलता हुआ पानी होता तो हम पी भी लेते, मगर कोरोना हो जाएगा। नहीं कोरोना हो जाएगा। और अब हम वापसी जाएंगे, अगर बीच में कोई भी जैसे कोई मिल गया तो उसे मारेंगे। कैसा आदमी है ये, बीच में अगर कोई ट्यूबवेल या इंजन चलता हुआ मिल गया, जैसे पानी वाला जो इंजन होता है, तो हम उस पर जरूर नहाएंगे, जरूर से जरूर। अब जरा थोड़ा सस्ता लें फिर यहाँ से जाएंगे। आज हमने बेवकूफ़ी दिखा दी, सच बात बता रहा हूँ, बेवकूफ़ी दिखा दी आज तो। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। तो कम से कम अभी 5 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है। भाई देख सिरकटा नदी पास, सही में, अरे भयंकर, सही में यार सिरकटा, वो शायद आपको दिख रहा हो, दिख रहा होगा, एक मिनट मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यार सही में सिरकटा था, पार है, आप शायद झाड़ियों में घुस गया है, वो कोई सा जानवर है, पंछी है यहाँ पे, कोई सा पर फैलाया बैठा हुआ है बड़ा सा। सिरकटा भी था जो कि अब झाड़ियों में घुस चुका है, एक नज़र पड़ी थी बस हमारी। गाइस अब हम वापसी हो चुके हैं, अब वापसी जा रहे हैं, अब आपको बहुत आगे मिलेंगे हम, यहाँ कहीं आसपास तो वीडियो ऑन करेंगे नहीं। अब तेरी लो घुस गए चढ़ाई पे। कम से कम आधे घंटे रेस्ट करके हम लोगों ने चलना शुरू किया है, और बीच में एक नल पड़ा था जो ठिरिया गांव निकल चुका, पीछे नल पड़ा था ठिरिया में, उसमें हमने हाथ पैर धोया, फिर अब
से कम एक गांव पुना से जब तक पार ना कर लूँ तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी तक। यार अच्छा खासा चूतिया कट गया हमारा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी दूर पर घर रह गया हमारा, हाईवे पे है इस टाइम, आ चुके हैं गांव पार करके सब। तो अगर पसंद आया थोड़ा बहुत तो लाइक कमेंट शेयर ठोक देना, जो मन मर्जी वो करो, हटाओ ख़त्म करो बने।